बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरीश साहनी जी होंगे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने अपने ही हरी सहनी को, जो कि बिहार विधान परिषद सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे देखे जाएंगे, यानी कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी को बनाया है बीजेपी ने, बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं पहले बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और अब हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। देखिए, अगले साल लोकसभा चुनाव है और अब अति पिछड़ी जातियों को एक साथ लाने की वोट बैंक में कह सके अच्छी खासी अपनी भागीदारी मिले उस वोट बैंक में, इसकी जद्दोजहद में लगी बीजेपी ने एक और चाल चल दी और इससे मुकेश सहनी को ही झटका लगा है। अब हरी सहनी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है बिहार विधान परिषद में, एक बड़ा ऐलान। सम्राट चौधरी, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार विधान परिषद के वे सदस्य भी हैं, क्या कुछ घोषणा करे थे, जरा सुनिए। और इस मंच पर उपस्थित एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है सभी की सम्मति से, आज के तारीख से बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरीश साहनी जी होंगे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। तो देखिए, एक तरफ जहां मुकेश सहनी संकल्प करा रहे हैं, हाथों में गंगा जल लेकर गांव-गांव में घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है हरी सहनी को बिहार विधान परिषद में। अब देखिए, जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा जाति के हैं, उसे बीजेपी ने आगे किया। मुकेश सहनी फिलहाल टाल मटोल की स्थिति में थे, तो मुकेश सहनी को भी क्या रास्ते पर लाने के लिए, क्या ठंडा करने के लिए हरी सहनी वाला ये स्टेप लिया गया है बीजेपी की ओर से। हरी सहनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सहनी समाज को खुश करने के लिए, सहनी समाज का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए बिहार विधान परिषद में उन्हें विरोधी दल का नेता बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा अब हरी सहनी को और सहनी समाज में एक मैसेज देगी बीजेपी, लेकिन मुकेश सहनी को कितना झटका लगा ये देखना होगा। क्या मुकेश सहनी अभी भी अलग रहेंगे बीजेपी से, एनडीए से अलग ही रहेंगे, ये बातें फिर होंगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।